बड़ी खबर आ रही है कैबिनेट ब्रीफिंग से, जहां कई सेक्टर में सुधार के लिए बड़े फैसलों का ऐलान किया गया। टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दी गई है, तो टेलीकॉम क्षेत्र में बड़े सुधार का सरकार का फैसला है और इस दिशा में काफी लंबे वक्त से रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जा रही थी और अब एक तरीके से कहें तो दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। मेक इन इंडिया अभियान पर सरकार का लगातार जोर रहा, ऑटो और ड्रोन उद्योग को 26,000 करोड़ का आवंटन भी इस लिहाज से किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए आप कि एक बड़ा कदम ये इस दिशा में, ताकि मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जा सके और इसीलिए लगातार सरकार की तरफ से कहा भी जाता रहा और एक बड़ा कदम। प्रभावी जो PLI स्कीम्स हैं, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए जो 18,100 करोड़ रुपए की जो योजना भी चल रही है वो भी, और फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जिसको हम फेम स्कीम भी कहते हैं, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है, ये दोनों योजनाओं के साथ ये PLI स्कीम जो है, ये इसके साथ उसको भी बढ़ावा देंगे, इसका इंसेंटिव का लाभ भी उनको वहां पर मिलता रहेगा। जहां से एक और पर्यावरण की दृष्टि से हमें इसका लाभ मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो, ये तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम भी बनाएगा भारत को, और साथ ही साथ हमें नई टेक्नोलॉजी, नए कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और नए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको लाभ देगा।